निशा झा, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बोल दिल्ली बोल। कोरोना काल में अभिभावकों को राहत देते हुए दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस में कटौती 15% की कटौती करने का फैसला लिया है, तो आइए इसी विषय पर बात करते हैं लोगों से और जानते हैं उनकी राय। ये बहुत अच्छा फैसला है और सभी पेरेंट्स ये कोरोना काल में चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के पास से उनको फैसिलिटी मिली जाए, चाहे बिजली का विषय हो, चाहे क्या बोलते हैं स्कूल का विषय हो। तो ये बहुत अच्छा फैसला है दिल्ली सरकार के लिए और मैं तो चाहूँगा कि बाकी राष्ट्रों ने भी, यानी बाकी के जो राज्य हैं उन्होंने भी इनको देखते हुए कुछ ना कुछ ऐसे फैसले लेने को चाहिए। बहुत ही ठीक है, इस टाइम तो कोरोना काल चल रहा है और भी पेरेंट्स को काफ़ी राहत मिल जाएगी, सैलरी टाइम पे नहीं आ रही है, ठीक है, कोई गलत फैसला नहीं है इसमें। गवर्नमेंट ने जो किया बहुत अच्छा किया और स्कूल के लिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक ही किया है जी। ज़रूरी भी था जी। होना भी चाहिए, परेशान तो सभी हैं, इसलिए मान लो ज़रूरी भी है। ऐसा होता ना, टाइम पे सैलरी तक नहीं मिल रही थी, नहीं मिल रही है सैलरी, नहीं मिल रही है टाइम पे, नहीं मिल रही है, इसके लिए परेशानी तो सभी को चल रही है। तो ये भी ज़रूरी था, वैसे होना भी चाहिए, अच्छा काम किया। ठीक है, अच्छा कदम है, पेरेंट्स को थोड़ी बहुत राहत मिलनी चाहिए, अच्छा है, हित में ही रहेगा ये तो, कुछ राहत तो मिलेगी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा जारी स्कूलों के लिए निर्देश में कहा गया है कि अगर कोई स्कूल पूरी फीस ले लेता है तो उसे फीस वापस करनी पड़ेगी या फिर आगे के फीस में उसे ये 15% एडजस्ट करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं मनीषा झा, ABN News दिल्ली।